जिले की मईल थाना क्षेत्र नरियाव गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर हुए दावत से वापस आ रहे युवक को दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी। युवक की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से हत्या के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही थानेदार को जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। मईल थाना क्षेत्र के नरियाव गांव में रहने वाले गुलाब पाल उम्र 40 वर्ष पुत्र रामधारी पाल फर्नीचर मिस्त्री था। वह गांव में घूम घूम कर कार्य करता था जिससे वो परिवार का भरण पोषण करता था। गांव में होने वाले प्रधानी चुनाव को लेकर गोलाबंदी शुरू हो गई थी। गुलाब गांव के एक व्यक्ति का प्रधानी चुनाव में प्रबल समर्थक था। प्रधानी चुनाव को लेकर गाँव में दावतों का दौर शुरू हो गया था। दूसरे पक्ष के प्रधान प्रत्याशी ने पिछले दिनों दावत दी थी। वहीं बुधवार की रात में गुलाब के समर्थक प्रधान प्रत्याशी ने भी दावत दी। गुलाब 11 बजे रात को दावत से घर वापस आ रहा था। रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और प्रधानी चुनाव में दूसरे पक्ष को समर्थन की बात करने लगे, जिसे लेकर गुलाब और उन लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मनबड़ों ने गुलाब की मारपीट कर हत्या कर दी। परिजन भागलपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुलाब की मौत से घर में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना मिलते ही मईल के थानेदार शैलेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। एसपी ने थानेदार शैलेंद्र कुमार को जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस जनपद के थाना मईल के ग्राम नरियाव में कल रात में गुलाब और उसके बगल के 3-4 पड़ोसियों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हो गई। तथाकथित रूप से मुजरिमों में से किसी व्यक्ति ने इसको उठाकर पटक दिया, जिससे ये व्यक्ति बेहोश हो गया। मृतक को भागलपुर इस व्यक्ति को चटाई को ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।